नमस्कार दोस्तों, मैं कविता आज अपने केएम न्यूज के द्वारा असम की राजधानी दिशापुर में कामाख्या मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। गुवाहाटी से 6 किलोमीटर की दूरी पर कामाख्या मंदिर है, पर्वत पर स्थित है। यह शक्ति के देवी सती का मंदिर है। यहाँ मंदिर एक बड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है, वह इसका महत्व तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से सतयोगी तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पर्वत के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम की राजधानी दिशापुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित निरांचल अथवा नील शैल पर्वतमालों पर स्थित माँ कामाख्या का शक्ति पीठ सती के 51 शक्ति पीठों में से सर्वोच्च स्थान है। यही माँ की माँ मुद्रा योनि कुंडल स्थित है। यह अम्बुवाची पर्वत भगवती सीता का रजस वाला होता रहता है। पौराणिक स्तरों शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यहाँ पर्व 16 वर्ष से एक बार, द्वापर में 12 वर्ष के एक बार, तेतरा युग में 7 वर्ष तथा कलयुग में कलिकाल प्रत्येक वर्ष जून माह में तिथि के अनुसार मनाया जाता है। इस बार अमावस्या योग जून की 22-23-24 तिथि में मनाया जाएगा। विश्व के सभी तांत्रिक मांत्रिक द्वारा सिद्धि पुरुषों के लिए वर्ष में एक बार पढ़ने वाला अमावस्या योग वस्तु एक वरदान है। यहाँ अमावस्या पर्वत भगवती सीता का विश्व के सभी तांत्रिक मांत्रिक एक सिद्धि पुरुषों के लिए तेतरा युग में 7 वर्ष में एक बार तथा कलि काल में प्रत्येक जून माह में के तिथि में के अनुसार मनाया जाता है। एक बार अमावस्या योग पूर्व जून की 22-23-24 तिथियों में मनाया गया। पौराणिक सत्य है कि अमावस्या पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती हैं। माँ भगवती की गर्भगृह स्थित में माँ मुद्रा योनि तीर्थ के निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान पर रक्त प्रवाहित होता है। यह अपने आप में एक कलयुग में एक अद्भुत आश्चर्य विश्लेषण नजारा है। में राजा राजेश्वरी कामाख्या रहस्य एवं 10 महाविद्रोह नामक ग्रंथ में रचित एवं माँ कामाख्या के अन्य भक्त जोशी एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा ने बताया है कि अमावस्या योग में पर्वत के दौरान कामाख्या मंत्र के अनुसार इसमें बताया गया है कि राजेश्वरी कामाख्या रहस्य एवं 10 महाविद्रोह नामक ग्रंथ से रचित एवं माँ कामाख्या के अन्य भक्तों जोशी ए वास्तु विज्ञान डॉक्टर दिवाकर शर्मा ने बताया है कि अमावस्या योग में पर्वत के दौरान माँ भगवती के गर्भगृह में कपाट स्वयं ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन भी निषेध हो जाता है। इस पर्व की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व में इस पर्व में तंत्र मंत्र यज्ञ साधना हेतु सभी प्रकार की सिद्धियां एवं मंत्रों से उच्चारण हेतु उच्च कोटिये के तांत्रिकों मांत्रिकों अगोरी का बड़ा जमघट लगा जाता है। 3 दिनों तक उपरांत माँ भगवती की रजस्वला समापित होने पर इनकी विशेष पूजा व साधना की जाती है। कामाख्या के शोधार्थी एवं प्रचलित विद्या विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा कहते हैं कि कामाख्या के बारे में कुदवंती के घमंड से चोर असुराज नरकासुर एक दिन माँ भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने के लिए दुराग्रह पर बैठा था। कामाख्या माँ माया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उसका कहा कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थर से 400 पंथों का निर्माण कर दो, एक कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पत्नी बन जाऊंगी और यदि तुम ऐसा ना कर पाए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चिंत है। गर्भ से चूर असुर ने पंथों
के 4 सोपान प्राप्त होने से पूर्व पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष पर निर्माण कर ही रहा था कि और यदि तुम ऐसा ना कर पाए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चिंत है। गर्व से चूर असुर ने पंथों के 4 सोपान प्राप्त होने से पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष निर्माण कर ही रहा था कि महामाया ने एक मायावी कुट्टू यानी कि मुर्गे द्वारा रचित दो फूट पीले तो क्या जाएगा तुम्हारा, दो फूट पीले तो क्या जाएगा तुम्हारा, मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा, मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा। जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र से दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। यह स्थान आज भी कुकाचिक के नाम से विख्यात है। बाद में मां भगवती ने माया से भगवान विष्णु से नरकासुर असुर का वध किया। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त कामरूप का राजा बना। भगदत्त का वंश लुप्त हो जाने के से कामरूप का छोटा राज्य भागों में बट गया और समाप्त राजा कामरूप का अपना शासन करने लगा। नरकासुर के नीचे कार्यों के बाद विशेष मुनि से अभिशाप से देवी अप्रकट हो गई थी और कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित मंदिर देवप्रयास हो गया था। सती द्वारा शक्तिपीठ है। इस टापू के मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहीं पर समाधि से सताशिव को कामदेव ने काम बाढ़ मारकर आहत्या किया था। पंडित दिवाकर शर्मा ने बतलाया कि अंध शक्ति माँ भैरवी कामाख्या के दर्शन से पूर्व माँ भैरव उमानंद जो कि गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्री नदी के मध्य भाग में टापू पर स्थित है, इसके दर्शन करना अनिवार्य है। यह एक प्राकृतिक शैल द्वीप है जो तंत्र का स्रोत द्वारा शक्ति का शक्तिपीठ है। इस टापू के मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यही समाधि स्थल सदा शिव को कामदेव ने काम बाढ़ मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदा शिव ने उसे भस्म कर दिया था। भगवती से महातीर्थ योनि मुद्रा निरांचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवन दान मिला था, इसलिए यह क्षेत्र कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। सती स्वरूपिणी अंध शक्ति माँ भैरवी कामाख्या तीर्थ विश्व का सर्वोच्च कुमारी तीर्थ भी माना गया है, इसलिए इस शक्तिपीठ में कुमारी पूजा अनुशासन का भी अत्यंत महत्व है। यद्यपि अंध शक्ति की प्रतीक सभी कुल व वर्ण की कुमारियां होती है, इसकी जाति का भेद नहीं होता। इस क्षेत्र में अंध शक्ति कामाख्या कुमारी के रूप से भी सदा विराजमान है। इस क्षेत्र में सभी वर्ण में जातियों की कुमारियां वेदनीय है पूजनीय है। वर्ण जाति का भेद करने का साधन इस क्षेत्र में सभी वर्ण व जातियों की कुमारियां वंदनीय है पूजनीय है। वर्ण जाति का भेद करने पर साधन की सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि ऐसा करने से इंद्र तुल्य शक्ति देव को भी अपने मद से वक्षित होना पड़ता है। जिस प्रकार उत्तर भारत के महाकुंभ महापर्व का महत्व माना गया है, ठीक उसी प्रकार ही श्रेष्ठ इस अंधनी शक्ति से अम्बुवाची पर्व का भी महत्व है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की दिव्य अलौकिक शक्तियों का अर्जन तंत्र मन से प्रागत साधन अपनी अपनी मंत्र शक्तियों को पुराचरण अनुष्ठान कर सिद्ध करते हैं। इस पर्व में माँ भगवती से रज्जस्वला होने से पूर्व गर्भगृह स्थित महामुद्रा पर सफेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं जो कि रक्तवर्ण हो जाते हैं। मंदिर में पुजारी द्वारा ये वस्त्र प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को विशेष रूप से वितरित किया जाता है। इस पर्व में भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश तिब्बत और अफ्रीका जैसे देशों में तंत्र साधना यहाँ आकर अपनी साधना से सर्वोच्च शिखर से प्राप्त करते हैं। दो फूट पीले तो क्या जाएगा तुम्हारा, दो फूट पीले तो क्या जाएगा तुम्हारा, मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा, मैया जी तेरे चरणों।
मार्ग साधन तो यहाँ सर्वोच्च वाम भाग साधना का तो ये है सर्वोच्च पीठ है मच्छिंद्र नाथ गोरखनाथ लोहा चमारी इस्लामा इर्जोगी इत्यादि तंत्र साधना के संवाद तंत्र में अपना यह साधन बनाकर अमर हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता केम न्यूज के तरफ से आज मैंने आपको असम के दिशापुर में कामाख्या मंदिर के दर्शन कराए। मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई जगह के दर्शन करवाऊंगी। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करना।